आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो देशों के बारे में जिन्हें सुपर पावर का दर्जा हासिल है। पहला है यूएसए और दूसरा चाइना। इस वक्त 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए अभी भी दुनिया का नंबर वन सुपर पावर देश बना हुआ है, तो इस रेस में चाइना भी ज़्यादा पीछे नहीं है, उसका नंबर 3 है। इन दोनों देशों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया पर। ये दोनों ही देश इकोनॉमी के मामले में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं। यूएसए दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है तो चाइना नंबर 2 पर है। सिर्फ यूएसए और चाइना मिलकर ही हमारे ग्लोबल जीडीपी का 40% जीडीपी बनाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों देश कितना इकोनॉमी जनरेट करते हैं। वैसे तो यूएसए और चाइना एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेंडिंग पार्टनर तो हैं ही, लेकिन ये एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर यूएसए और चाइना के बीच जंग छिड़ जाए? तो दोनों ही देश बहुत पावरफुल हैं, तो किसके पास ज्यादा एडवांटेज होगा? इस मिलिट्री कंपैरिजन में हम चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यूएसए मिलिट्री के सामने खड़ा करेंगे और देखेंगे कि इस मैचअप में क्या होता है। इस कंपैरिजन में दोनों देशों की मिलिट्री के तीनों सेनाओं के बारे में हम बात करेंगे, जैसे लैंड आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की किस सेना की कैपेबिलिटीज कितनी है और उनके हथियार किस तरह के हैं और कितने एडवांस हैं। अगर ये जंग होती है तो कौन जीतेगा? तो दोस्तों, कहीं मत जाना, वीडियो को पूरा देखना। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो। दोस्तों, आपको न्यूज देखकर एक बात तो पता होगी ही कि यूएसए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अपनी मिलिट्री पर बाकी दूसरे देशों के मुकाबले में। तो इस साल यूएसए का लेटेस्ट मिलिट्री बजट है $721 मिलियन का, जो उसकी ओवरऑल जीडीपी का 3.1% होता है। दोस्तों, ये इतना पैसा है कि कई देशों की ओवरऑल जीडीपी को ऐड कर दिया जाए तो भी उसके बराबर नहीं होगा। वहीं हम चाइना की बात करें तो चाइना का मिलिट्री बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है यूएसए के बाद, जो है $209 बिलियन का, जो कि चाइना की ओवरऑल जीडीपी का 1.9% होता है। तो बजट के मामले में यूएसए चाइना पर भारी पड़ता दिखता है। वहीं इन दोनों के बजट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जो देश ज्यादा खर्च करता है उसकी मिलिट्री पावर ज्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इस वक्त यूएसए की करंट पॉपुलेशन 33 करोड़ है और चाइना की करंट पॉपुलेशन 145 करोड़। बहुत ज्यादा आबादी का मतलब है बहुत बड़ा सेना बल। नंबर ऑफ आर्मी के मामले में चाइना नंबर 1 पर है, लगभग यूएसए से दुगनी आर्मी है चाइना की। यूनाइटेड स्टेट्स की एक्टिव आर्मी 14 लाख है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना की एक्टिव आर्मी 21,85,000 है। यूएस आर्मी और चाइनीज आर्मी जमीन पर एक दूसरे से भिड़ते हैं तो क्या होगा? एक बात तो हमें पता है, नंबर ऑफ आर्मीज के मामले में चाइना यूएसए से बहुत आगे है। अगर दोनों आर्मी का टकराव होगा तो दोनों तरफ के ही लोग मारे जाएंगे, लेकिन चाइना के पास इतने ज्यादा मैन पावर है कि वो और लोगों को आगे कर सकता है लड़ने के लिए। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के पास इतनी मैन पावर नहीं है। लेकिन हम इस वक्त 21वीं सदी में जी रहे हैं तो इस तरह की जंग का सवाल ही नहीं उठता। तो हम हथियारों और मशीनों के बेसिस पर ही बात करेंगे कि किसके पास कितने हथियार और कैसी मशीनें हैं। जैसे कि कॉम्बैट टैंक्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 6,289 कॉम्बैट टैंक्स हैं, जबकि चाइना की बात करें तो चाइना के पास 3,205 कॉम्बैट टैंक्स हैं। आर्म फाइटिंग व्हीकल की बात करें तो यूएसए के पास 41,760 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जबकि चाइना के पास 35,000। APC यानी आर्म पर्सनल कैरियर की बात करें तो यूएसए के पास 19,245 APC हैं, वहीं चाइना के पास 9,274। माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स की बात करें तो यूएसए के पास 12,435 माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल्स हैं, जबकि चाइना के पास 15,435। टोटल आर्टिलरी की बात करें तो यूएसए के पास टोटल आर्टिलरी 2,840 है, जिसमें से 1,500 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 1,340 फील्ड आर्टिलरी। वहीं चाइना के पास टोटल आर्टिलरी 6,064 है, जिसमें से 2,830 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 3,234 फील्ड आर्टिलरी। रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें तो यूएसए के पास 1,365 रॉकेट प्रोजेक्टर है, वहीं चाइना के पास 2,250 रॉकेट प्रोजेक्टर है। इन दोनों के हथियार की संख्या को देखकर ऐसा लगता है कि जमीन पर युद्ध हुआ तो कांटे की टक्कर का होगा। ज्योग्राफिकल अगर देखें तो ये दोनों देश ही एक दूसरे से काफी दूर है। इनकी दूरी 11,140 किलोमीटर की है, तो इतनी बड़ी सेनाओं को एक साथ जमीनी लड़ाई पर उतारना, वो भी एक दूसरे के खिलाफ, काफी मुश्किल है। तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों देशों के एयरफोर्स कैपेबिलिटीज पर नजर डालते हैं। यूएसए की आर्मी को यूएसए एफ कहते हैं, वहीं चाइना की आर्मी को
SPLAF कहते हैं। एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के पास 13,233 एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के पास 3,360 एयरक्राफ्ट्स हैं और ये आंकड़े बदलते रहते हैं। अगर अभी के वक्त में हम बात करें तो चाइनीज मिलिट्री बहुत तेजी से एयरक्राफ्ट बना रही है और खरीद रही है। USA के कंपेयर में अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में दोनों ही देशों के नंबर्स बराबर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं दोनों ही देशों के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं और किस देश के पास बेहतरीन फाइटर प्लेन, बॉम्बर्स और ट्रांसपोर्ट है। तो बात करते हैं USA की। USA के पास बहुत ही वाइड वैरायटी में एयरक्राफ्ट है। जैसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो USA के पास 2085 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के पास 1200। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो USA के पास 761 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चाइना के पास 371। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात करें तो USA के पास 2180 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चाइना के पास 592। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की बात करें तो USA के पास 749 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चाइना के पास 115। ओवैक्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो USA के पास 39 ओवैक्स एयरक्राफ्ट हैं और चाइना के पास सिर्फ 45। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो USA के पास 2,765 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के पास 405। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो USA के पास 945 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और चाइना के पास 264। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात करें तो USA के पास 153 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं और चाइना के पास 120, जिसमें USA के पास सबसे इम्प्रेसिव एयरक्राफ्ट है F-35 लाइटिंग, F-22 रैप्टर, F-15 ईगल। ये फाइटर जेट US एयरफोर्स को बहुत ताकतवर बनाते हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने भी अपना स्टेट फाइटर खुद ही बनाया है, जैसे चेगरू J-20, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में है चाइना के पास। अब ड्रोन और हेलीकॉप्टर की बात कर लेते हैं। USA के पास 10,745 ड्रोन हैं, जबकि चाइना के पास सिर्फ 295। USA के पास 5,436 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 904 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना के पास 902 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 327 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। USA चाइना से एयरफोर्स में बहुत आगे है, इसलिए आसमान में US मिलिट्री को एक लीथल एडवांटेज है चाइनीज मिलिट्री के कंपेयर में। वहीं USA के पास ज़्यादा नंबर में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जैसे टैंकर एयरक्राफ्ट। इन सब के अलावा एक एवरेज अमेरिकन पायलट हर साल 20 से 30 घंटे ज़्यादा ट्रेन होता है चाइनीज पायलट के कंपेयर में। दुनिया में सिर्फ चाइना ही नहीं, दूसरे बड़े बड़े देशों की जो एयरफोर्स है उनमें भी USA के मुकाबले ज़्यादा नंबर्स में ट्रांसपोर्ट और बॉम्बर्स नहीं हैं, लेकिन USA के पास ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में हैं। USA के मैक्सिमम एयरक्राफ्ट अप टू डेट रहते हैं। वहीं चाइना की बात करें तो चाइनीज एयरफोर्स वही पुराने एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है। वो एयरक्राफ्ट फंक्शनल तो हैं, लेकिन ओल्डर मॉडल के हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आसमानी लड़ाई को छोड़कर हम बात करते हैं तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई की, जो होगी US नेवी और चाइना नेवी के बीच। US नेवी और चाइना नेवी के पास कौन कौन से वॉरशिप हैं जो उन्हें नेवी में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन दिलाती है। सबसे पहले जैसे डिस्ट्रॉयर की बात करें तो US नेवी के पास 92 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं चाइना के पास 50 डिस्ट्रॉयर हैं। कॉर्बेट्स की बात करें तो USA के पास 21 कॉर्बेट्स हैं, वहीं चाइना के पास 72 कॉर्बेट्स हैं। फ्रिगेट्स वॉरशिप की बात करें तो US नेवी के पास 1 फ्रिगेट वॉरशिप है, वहीं चाइना के पास 46 फ्रिगेट्स वॉरशिप हैं। सबमरीन की बात करें तो US नेवी के पास 68 सबमरीन हैं, वहीं चाइना नेवी की बात करें तो चाइना के पास 79 सबमरीन हैं। माइन वॉरफेयर्स की बात करें तो US नेवी के पास 8 वॉरफेयर्स हैं, वहीं चाइना नेवी के पास 36 वॉरफेयर्स हैं। पेट्रोल वेजल्स की बात करें तो US नेवी के पास 13 पेट्रोल बोट हैं, वहीं चाइना के पास 123 पेट्रोल बोट हैं। अब लास्ट है एयरक्राफ्ट कैरियर। किसी भी देश की डिफेंस में नेवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नवल एर्सनेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शिप होता है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर समझ लो कि एक तैरते हुए किले होते हैं, जिससे दूसरी कंट्री पर घमासान एयर स्ट्राइक की जा सकती है, क्योंकि इसमें एक साथ 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन खड़े करने की क्षमता होती है। ये कई तरह के एडवांस हथियारों से लैस होते हैं। इनकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये एक तकरीबन 12 से 15 US बिलियन डॉलर में बनते हैं, इसलिए हर देश इसे नहीं खरीद सकता। अगर अभी के वक्त में हम बात करें तो USA के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो इस वक्त चाइना में 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं,
तो ये चीज यूएस नेवी को बहुत बड़ा एडवांटेज देती है। अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़ दें तो चाइना यूएसए से आगे दिखता है बाकी वॉरशिप में, लेकिन यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक यूनाइटेड स्टेट्स के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, पैसिफिक में उसको हरा पाना नामुमकिन है। अगर चाइना को यूएस नेवी की बराबरी करनी है तो एम्प्टी स्पेस को फिल करना होगा और एयरक्राफ्ट बढ़ाने होंगे। चाइना इस पर काम भी कर रहा है। आने वाले दशक में चाइनीज नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर के नंबर बढ़ सकते हैं, पर फिलहाल तो यूएस नेवी को चाइनीज नेवी नहीं हरा सकती। लेकिन अमेरिका में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन नेवी के एक बड़े ऑफिसर ने कहा है कि नेवी के मामले में चाइना सुपर पावर बन गया है, उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी सेना है। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। यूएस मिलिट्री के पास काफी ज्यादा वॉर एक्सपीरियंस है चाइनीज मिलिट्री के कंपेयर में। यूएसए को वर्ल्ड वार टू का और मोस्ट रिसेंटली मिडिल ईस्ट में 1981 में डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत से यूएस ने अपनी मिलिट्री मेंटेन कर दी थी मिडिल ईस्ट में। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान में लगातार 18 साल से लड़ रहा है। इसका मतलब यूएस के मिलिट्री पर्सनल और लीडर कंस्टेंटली स्किल गेन कर रहे हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने पिछले 41 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। लास्ट वॉर चाइना ने 1989 में वियतनाम से किया था, उसके बाद से अब तक कोई जंग नहीं की है। यूएसए और चाइना दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। इस वक्त चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वॉर हेड हैं। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अमेरिका के सामने ये कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके पास 6370 वॉर हेड्स हैं। लेकिन ये बात दोनों ही देश जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने से अंजाम बहुत बुरा होगा और दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वॉर हो। तो दोस्तों आप ही बताओ कि कौन सा देश जीतेगा अगर युद्ध हुआ तो, यूएसए या चाइना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।